बेलीपार थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से पति पत्नी झुलस गए, जिसमें पति की मौत हो गई। वहीं बिजली के तार की चपेट में आने से एक राहगीर भी घायल हुआ है। मामला बेलीपार थाना के सरिया गांव का है। बताया जा रहा है कि घर की छत की रेलिंग पर बिजली का तार बंधा था, वहीं बिजली के तार कटा होने से रेलिंग में करंट आ रहा था। इस बात से अनजान घर का मुखिया भानु प्रताप उर्फ गुड्डू रेलिंग से बंधी रस्सी पर तार में कपड़ा टांगने गया था, जिससे वह करंट की चपेट में आ गया। वहीं भानु प्रताप को तड़पता देखकर उसकी पत्नी सुमित्रा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आकर झुलस गई। इस दौरान एक पड़ोसी हाशिम भी करंट की चपेट में आकर घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देकर तीनों को जिला अस्पताल लाया, जहां पर डॉक्टरों ने भानु प्रताप को मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि मुंबई में रहकर पेंट पॉलिश का काम करने वाला भानु प्रताप करंट की चपेट में आकर मौत हुई है, जबकि हादसे में भानु प्रताप की पत्नी और एक राहगीर झुलसे हैं। घटना से इलाके में मातम का माहौल है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मृतक के पिता फूलचंद और एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, लग रहा था, इसलिए जो है उसी पोल से करंट आया। कपड़ा नहीं, वहाँ छत पर सोया हुआ था ना, सोने में जिससे तार सटा हुआ है, उसी में कहीं अर्थ ले लिया बाटी। चलो ऊपर से तार टूट करके छत पे गिरा और पूरे छत पे लाइन आ गई, इसीलिए वो लोग झुलस गए उसी में। कब हुआ ये भाई? शाम को 7:45 पे हुआ। 7:45 अब इनकी स्थिति तो ठीक है, बच्चे का तो डेटी हो गया। कितने लोग झुलसे हुए हैं? 3 लोग। थाना में ये सरिया गांव है, यहाँ पे विद्युत का करंट उतर गया था घर में, जिसमें एक व्यक्ति जो गुड्डू है उसे उसकी डेथ हो गई, और दो उसकी पत्नी और एक और वो चोटिल हैं, उससे मतलब झुलस गए हैं, जिस पर उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, आगे इलाज चल रहा है।